उत्तराखंड में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है और अब पार्टी सरकार बनाने की कवायद में जुटी हुई है। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं उनसे। सर, कब तक विधायक दल की बैठक होनी है और सरकार बनाने को लेकर किस तरह की अब आपकी कवायद है? होली के तुरंत बाद इस प्रक्रिया को हम तेजी से शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें दो तरह की व्यवस्थाएं करनी होती है। एक विधायकों की शपथ होती है, प्रोटम स्पीकर बनता है, वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन पार्टी के स्तर पर विधायक दल की बैठक बुलाकर नेता का चयन करना, वो नेता फिर गवर्नर के पास जाकर दावा पेश करना, तो ये सब प्रक्रिया फिर शपथ इत्यादि का होना, तो ये दोनों प्रक्रिया अभी चल रही हैं, लेकिन ये सारी प्रक्रिया होली के बाद ही संभव हो पाएंगी। तो अभी आप इंतज़ार करिए, दो तीन दिन और। सर, एक बड़ा मिथक उत्तराखंड में टूटा, भाजपा फिर से वापस लौटी सत्ता में, लेकिन एक मिथक अभी भी रह गया है, बड़ी चर्चाएं चल रही कि अब कौन चेहरा होगा। पहले तो ये जो मिथक टूटा है, इसके लिए मैं प्रदेश की जनता को नमन करता हूं कि आपने मोदी जी पर जो विश्वास व्यक्त किया, हम पहले कह रहे थे कि प्रदेश की जनता का मोदी जी पर बड़ा विश्वास, वो विश्वास आपको 10 तारीख को नजर आया, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा रिजल्ट उत्तराखंड में रहा। वो मिथक टूटा है, और उस मिथक के टूटने के बाद, और मिथक खाली टूटा ही नहीं, एक प्रचंड बहुमत मिला है, तो इसके लिए बहुत मोदी जी का जो एक विश्वास था और जनता का जो भाजपा को आशीर्वाद मिला है, तो ये दोनों चीज इसमें प्रभावी है। सर, चेहरे को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, विधायकों में से कोई चेहरा होगा या फिर कोई चेहरा बाहर से वो चेहरा लाया जाएगा, या फिर जिस तरीके से अभी ये भी चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार रहे हैं अपनी सीट से, क्या उनको रिपीट किया जाएगा, ये तमाम सारी चर्चाएं हैं। देखिए, अभी बीजेपी में इस तरह की कोई चर्चा नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व तो बैठ के क्या तय करते हैं, क्या बातचीत होती है, फिर विधानमंडल दल की बैठक में बातचीत आएगी, तो मैं समझता हूँ कि अभी इसमें थोड़ा इंतजार करिए, 2-3 दिन में विषय सारा आएगा। तो फिलहाल अब स्थिति करीब करीब साफ है, होली के बाद ही बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी और विधानमंडल दल की बैठक में तय होगा कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। कैमरा सहयोगी अमरेश भट्ट के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया, देहरादून।